हेलो फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा लोहान वेलकम्स यू एट माय चैनल। हियर यू गेट ऑल इम्पोर्टेंट नोट्स, पीडीएफ एंड क्वेश्चन पेपर्स। गिव योर प्रीसियस सजेशन। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर सपोर्ट। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू एनालाइज आईसीटी क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्कूल विद्यालय का अर्थ बताएं। इसके साथ ही आपको इनके तत्व, रखरखाव या सावधानियों का वर्णन भी करना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप डिटेल में कर लेना। फिर है परीक्षण क्या होते हैं, टेस्ट क्या होते हैं। व्यक्तिगत टेस्ट होता है, निरीक्षण में औपचारिक टेस्ट है जैसे, इसके साथ निदानात्मक टेस्ट होते हैं, बुद्धिलब्धि टेस्ट है, ये सारे टेस्ट होते हैं। इनके आपको लाभ और हानियाँ बताने हैं कि आपने किस तरह से किसी का डायग्नोस करके उसके बाद उसका किस तरह से आपने रेमेडीज़ की हैं, उससे लाभ हानियाँ बताने कि एक बच्चे पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, पुस्तकालय किसे कहते हैं। लाइब्रेरी आप जानते ही हैं, जिसमें पुस्तकों का भंडार होता है, एक जहाँ बच्चा हर तरह की पुस्तक है जो पढ़ सकता है। फिर आपको इसके मैनेजमेंट को बताना है और इससे जुड़ी सावधानियाँ। ठीक है दोस्तों, इसके प्रकार बताने हैं। लाइब्रेरी की पब्लिक लाइब्रेरी होती है, स्कूल लाइब्रेरी होती है, कॉलेज में लाइब्रेरी होती है, बहुत सारी होती है। दृश्य श्रव्य सामग्री किसे कहते हैं, ये आपको बताना है, जिसे हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। टीवी है, कंप्यूटर है, फ़ोन है, प्रोजेक्टर है। इनका वर्गीकरण और रखरखाव कैसे होता है वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वैसे तो आपको एक बार मेरे पढ़ते ही याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। अधिगम का अर्थ लिखना है, जिससे व्यवहार में परिवर्तन आता है वो अधिगम होता है। इसकी आप परिभाषाएं दे सकते हैं किसी की भी। इसके प्रकार और तत्व बताने हैं, यानी कि सहगामी अधिगम है, अनुदेशन अधिगम है, इसके प्रकार होते हैं, तत्व बताने हैं आपको। फिर है व्हाट इज़ ई लर्निंग, इंटरनेट के द्वारा जिससे पढ़ाई की जा सकती है, ई लर्निंग कहलाती है। और इसको साथ साथ आपने बताना ऑफिस पैकेज, जिसमें एमएस वर्ड है, इंटरनेट पर सारा काम होता है, एमएस वर्ड है, विंडोज से जुड़ी जितनी जानकारी है आपको बतानी है। शिक्षा के सूचना संप्रेषण तकनीकी के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। आईसीटी का शिक्षा में क्या रोल है, ये आपको डिटेल में बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, इसको कर लीजिएगा तैयार। बाल केंद्रित शिक्षण की परिभाषाएं आपको बतानी है। इसका आंसर आपका सिर्फ केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए, बालक होना चाहिए लिखते हुए। फिर आपको इसकी विशेषताएं बतानी है। विशेषताएं होती हैं बच्चे से संबंधित सारा ज्ञान हम या उसका सर्वांगीण विकास हम कर सकते हैं आसानी से। शैक्षिक अनुसंधान का अर्थ बताना है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में किया गया अनुसंधान खोज है, नई नई विधियां लागू करना, और इसके आपको प्रकार और आवश्यकताएँ बतानी है। फिर हम मूल्यांकन किसे कहते हैं, ये आप बहुत सी बार कर चुके हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है और समेटिव असेसमेंट होती है, इसके आपको प्रकार मैंने बताया अभी, और इसके लाभ हानि बताने हैं। मूल्यांकन के प्रकारों के हिसाब से लाभ हानि पता लगेंगे आपको, इसके जो प्रकार होते हैं उससे ही बताइएगा। फिर है सतत व व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा, यानी कि बिल्कुल कॉन्टिन्यूस लगातार मूल्यांकन करना, इसको आप डिटेल में याद कीजिएगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सब्जेक्ट का। तो अगला देखिए दोस्तों, औपचारिक व निदानात्मक परीक्षण, ये मैं पीछे बता चुकी हूँ, टेस्ट में आते हैं, परीक्षण टेस्ट ही होते हैं, डायग्नोस्टिक और इसमें रेमेडियल टेस्ट हैं ये, आपको इनकी बारे में डिटेल देनी है। फिर है इनके संगठन और प्रक्रिया का वर्णन करना है, किस तरह से इनका संगठन किया जा सकता है, या इनकी प्रोसेस बतानी है इनकी आपको। जो मैंने फर्स्ट वीडियो में फाइल में बताया है वो सेम चीज़ें आपको इसमें डालनी है, बच्चे से रिलेटेड ज्ञान ही बताना है। अब है क्रियात्मक अनुसंधान, यानी एक्शन रिसर्च क्या होती है, जो आप किसी भी चीज़ पर अनुसंधान करने के बाद उस पर एक्टिविटी करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, वही क्रियात्मक अनुसंधान होता है। इसकी भी आपको विशेषताएं और उद्देश्य बताने हैं कि उद्देश्य क्या होते हैं किसी भी खोज के द्वारा, वस्तु व्यक्ति या किसी प्रणाली में परिवर्तन लाने से इसका उद्देश्य जाहिर होता है। इसकी विशेषताएँ बताएँगे आप, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, नाम भयंकर है इनके, पर क्वेश्चन के जो आंसर हैं बहुत आसान है। आंकड़े प्राथमिक और द्वितीयक होते हैं। प्राथमिक में क्या होते हैं, जिसे जो व्यक्ति है क्लोज होते हैं, द्वितीयक में वो थोड़े टच में नहीं होते हैं। अब इकाई योजना क्या होती है, पाठ योजना का भाग है, आपको पता है, आप इसको भी आसानी से कर लीजिएगा। लाभ और हानि बताने हैं, और ये है आपके सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट।
तो दोस्तों इसमें आईसीटी के जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसमें कुछ ज़्यादा आएगा नहीं। इम्पोर्टेंट कहाँ से आ सकते हैं? कंप्यूटर से रिलेटेड बातें आएंगी, मूल्यांकन से, और कोई परीक्षण है जो इसके, या अनुसंधान है। ये चार पांच क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्हीं में से घुमा फिरा के थोड़ा बहुत आगे पीछे करके 2 में 5 में या जो 8 में आपके जिस हिसाब से भी क्वेश्चन पेपर है उस हिसाब से ही आएगा। तो इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ही 15 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर का प्रारूप हैं। प्रारूप समझते हैं आप? प्रस्तावना। तो आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई